पर अंबाला से जहां प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, हाईटेक होगी अंबाला छावनी की सुरक्षा, ये कहा है अनिल विज ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 485 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, कैमरे नाइट विजन से लैस होंगे, ये भी बताया है अनिल विज ने। फेशियल एप्लीकेशन से पहचाने जाएंगे अपराधी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ा बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, उन्होंने बताया है कि हाईटेक होगी अब अंबाला छावनी की सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 485 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरे नाइट विजन से लैस होंगे, ये भी बताया। तो फेशियल एप्लीकेशन से अब अपराधी पहचाने जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी नरेश सैनी से। नरेश, बड़ा बयान दिया है अनिल विज ने, बताया कि हाईटेक होने वाली है अब अंबाला छावनी की सुरक्षा, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं आने पर लगाम लगाने के लिए जो सरकार है वो काफी प्रयास कर रही है, और इसी के चलते पुलिस को भी ये सख्त आदेश दिए गए थे कि अपराधी बचने नहीं चाहिए, और इसी के चलते कहीं ना कहीं आप सुरक्षा के मद्देनजर जो हाई प्रोफाइल कैमरे हैं वो पूरे शहर में लगाए जाएंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं अपराध करने से भी डरेंगे, और कहीं अगर अपराध करते भी हैं तो वो इसकी नजर रहेंगे। और इसी के चलते कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान जरूर दिया है कि जब कैमरे लग जाएंगे तो अपराधी उससे बच नहीं पाएंगे, इसी से कैमरे जल्द ही अंबाला छावनी में लग जाएंगे, और इसके चलते कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने पर जो अंबाला पुलिस है और सरकार है वो कामयाबी हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेश सैनी जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। तो गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है, अब देखिए कैमरे नाइट विजन से भी लैस होंगे, यानी कि जो सुविधाएं हैं बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन इस सब में एक चीज स्पष्ट है कि जो अपराधी हैं वो अपराध करने से अब खौफ खाएंगे। तो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है, हाईटेक होगी अब अंबाला छावनी की सुरक्षा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 485 सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, तो कैमरे नाइट विजन से लैस होंगे, ये भी स्पष्ट है।